इस बीच राम रहीम की गिरफ्तारी के बाद पहला वीडियो सामने आया। पंचकुला कोर्ट के बाहर का ये वीडियो है। यहाँ राम रहीम इस वीडियो में साफ देखी जा सकते हैं, जब पंचकुला कोर्ट से उन्हें पेशी के बाद गिरफ्तार कर रोहतक की जेल की तरफ रवाना किया जा रहा था, उस वक्त का ये वीडियो है। यहाँ सुरक्षा के घेरे में नजर आ रहे हैं बाबा राम रहीम। 28 अगस्त को उनको सजा सुनाई जाएगी, दोषी करार दिए गए हैं। आज पंचकुला के सीबीआई कोर्ट ने फैसला सुनाया। पहली तस्वीरें कोर्ट के बाहर की जो राम रहीम की थी वो अब सामने आई है। ये वीडियो है कोर्ट के बाहर का, जिसमें राम रहीम दिखाई दे रहे हैं, अपील करते हुए लोगों से कि वो शांति को बनाए रखें। हाथ जोड़कर उनका संबोधन भी किया। और इस फैसले के बाद राम रहीम को हिरासत में पुलिस ने लिया, सेना की कस्टडी में फिलहाल उन्हें रखा गया है। सोनारिया जेल है रोहतक की, जहां एयरलिफ्ट कर उन्हें ले जाया गया। पहले ये जानकारी मिली थी कि अंबाला में उन्हें ले जाया जाएगा, अंबाला कोर्ट में, लेकिन इसके बाद जो सुरक्षा के हालात थे उसको देखते हुए उन्हें रोहतक ही ले जाया गया, क्योंकि अंबाला के रास्ते में डेरा समर्थकों का जमावड़ा होने का की आशंका थी, जिसे देखते हुए सुरक्षा में कोई चूक ना हो इसलिए अंबाला की जगह रोहतक की सोनारिया जेल में बाबा राम रहीम को रखा गया है। पूरी तरह से सुरक्षा के बीच जिस वक्त है राम रहीम, और सोमवार को 28 अगस्त को फैसला आना है इस पूरे मामले में। यौन शोषण के मामले में दोषी करार दिए गए पंचकुला की विशेष सीबीआई अदालत के द्वारा धारा 376 के तहत उन्हें दोषी करार दिया गया है और सजा का ऐलान 28 अगस्त को होगा। आपको बता दें कि धारा 376 के तहत जो न्यूनतम सजा है वो 10 साल की है, और अधिकतम सजा इसमें उम्र कैद की भी हो सकती है। अगर अरेस्ट ऑफ द रेयर रेप केस इसे माना जाएगा तो फिर उम्र कैद तक की भी सज़ा हो सकती है, लेकिन हायर कोर्ट्स में जाने का ऑप्शन भी अभी डेरा के पास है, और वहां से भी ये बयान निकलकर सामने आया है कि वो ऊपरी अदालतों में इसके खिलाफ अपील कर सकते हैं। एक्सक्लूसिव वीडियो आपको दिखा रहे हैं, ये कोर्ट के बाहर का है, जब डेरा प्रमुख राम रहीम पर फैसला आया और उसके बाद उन्हें पुलिस ने हिरासत में लिया। यहां से मेडिकल कराने के बाद उन्हें रोहतक की सोनारिया जेल में रखा गया है। पहली तस्वीरें, पहला वीडियो सामने आया। जेल में जाने से पहले राम रहीम जब कोर्ट से बाहर आए थे तब उनकी तस्वीरें सामने आई हैं पुलिस की कस्टडी में। पुलिस ने तुरंत हिरासत में लिया। पूरा वर्डिक्ट, पूरा फैसला आने के बाद जैसे दूसरे आरोपियों को लिया जाता है, अब दोषी करार दिए गए हैं राम रहीम। पुलिस ने हिरासत में लिया, उनका मेडिकल कराया गया नियमों के मुताबिक, और इसके बाद जेल में फिलहाल उन्हें रखा गया है। रोहतक की सोनारिया जेल में भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच इस वक्त राम रहीम को रखा गया है।